और आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है झूला मार्केट सजना चालू हो चुका है। वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो वहाँ पे टेस्टिंग चल रही है अभी झूलों की। जैसे कि मैंने बताया था, वहाँ से दूर से मुझे देखने को पता चल गया था कि इस साइड जो है मछली घर बनने वाला है। यहाँ पे काम जो है जोरों शोरों पे चल रहा है। भैया बता रहे कि इस साइड जो है ये पूरा सेटअप लगने वाला है। क्यों, ये कहाँ से आया ये एक्वेरियम का? दिल्ली से आया, दिल्ली में मेले लग रहे थे, वहाँ से उतर के यहाँ आया। अच्छा, दिल्ली में खत्म हो गया? दिल्ली में खत्म हो गया। अच्छा, वहाँ से यहाँ आया डायरेक्ट। और ये पहुंच गए हम बाबा बर्फानी की गुफा में। शायद इसका एंट्रेंस गेट है, पांच मंदिर है, पांच तो मंदिर हो गए, फिर सबसे ऊपर जाकर के बाबा बर्फानी के दर्शन है, है ना? ये लिंग है, नीचे पड़ी है ना। अच्छा, यही है क्या? यही, अरे वाह, क्या बात है। लोगों को बहुत बाद में दर्शन होंगे, हमें पहले होने वाले। ये भाई साहब बता रहे हैं इसका एसी है। अरे ओके ओके, तीन चार एसी लग रहे हैं इसमें तो, कंटिन्यू चार एसी है। झूलों की है वो पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं। भाई साहब कौन सा झूला लगने वाला है? ये क्या नाम है झूले का? ब्रेक डांस है। पिछले साल मुझे अच्छे से याद है कि चार ड्रैगन बोट और तीन से चार, सॉरी पांच, पांच बड़े बड़े डोले लगाए हुए थे। बाकी साल देखते क्या कुछ सीन है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वन सेकंड, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अनप्लान ट्रिप्स। ये हमारे 131वें राष्ट्रीय दशहरा मेले का फोर्थ पार्ट है, जिसके अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं झूला मार्केट। क्योंकि दो दिन पहले जब मैं आया था यहाँ पर, एक भी झूला मार्केट झूले से रिलेटेड कुछ भी अपडेट नहीं था। बाकी अभी मैं जिससे देख पा रहा हूँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले जो है रावण मेकिंग का जो प्रोसेस चल रहा है उसके जो वीडियोस हम कंटिन्यू डाल रहे हैं, उसको बनाते बनाते मेरी नज़र पड़ी अभी एकदम थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पे जो है पूरा मार्केट आ चुका है। क्या कुछ झूले आए इस बार वो हम जाकर के देख के आने वाले। अगर किसी से बात हो पाई तो उनसे भी जरूर बात करेंगे। और अभी हम खड़े हैं विजय श्री रंगमंच के आगे और यहीं से हमारी स्टार्ट करते हैं सीरीज को। चलिए, तो अभी हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे, जहां पे झूला मार्केट, काफ़ी सारी खाने की स्टॉल्स की जो मार्केट है वो सारा लगने वाला है। और आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे यहां पे जो है झूला मार्केट सजना चालू हो चुका है। वहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं जूम करके दिखाता हूं, तो वहां पे टेस्टिंग चल रही है अभी झूलों की, ताकि कोई भी अनहोनी नहीं हो। और जुड़ना चालू हो चुका है वहां ऊपर की तरफ से, देखिए। तो ये कुछ है, और एक चीज़ बड़ी अनोखी सी दिखी है मुझे, जो कि मैंने अभी तक के 2023 से पहले तक, 2024 से पहले तक तो मैंने कुछ भी नहीं देखा था ऐसा। बट जो ये आप सामने देख पा रहे हैं मेरे, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये चीज़ कि अजीब से कंटेनर लेके आए, शायद ये कुछ तो नया झूला आया है या फिर पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ है। इसको थोड़ा पास से चल के देखते हैं क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया क्या चीज़ है। अभी जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा जूम करके देखा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं दिखा पाया। अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ मछलियाँ दिखेगी आपको, देखो चित्रों में, ठीक है। अगर आपने लास्ट टाइम देखा हो तो हमारे यहाँ कोटा शहर के अंदर फिश एक्वेरियम लगा था, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं थंबनेल बनाया था, मैंने वीडियो बनाया था उसका भी, वो यहाँ इस साइड कहीं शो हो रहा होगा। वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जिसके अंदर इस बार कोटा दशहरा मेला के अंदर आप आकर के एक्वेरियम में घूम सकते, जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ होगी अलग अलग प्रजाति की, वैसा कुछ बन रहा है। मैं 100% श्योर हूँ वैसा ही कुछ है, कि इतना बड़ा जो सेटअप होता है ना वो उसी चीज़ का हो सकता है, मुझे लगता है कोई और चीज़ है। इतने बड़े बड़े ट्रकों के ऊपर लोड होकर के आया, देखो। और अभी वहाँ पे सेटअप जम रहा है, देखिए वो दो लग चुके हैं, एक वहाँ पे हवा में लटक रहा है केन के द्वारा, तो ऐसा कुछ है। ये लास्ट टाइम जब आए थे तो हमारे दशहरा मेले के उस वाले पार्ट में लगाया हुआ था, छोटा सा बनाया हुआ था। बाकी इस बार देखते हैं दशहरा मैदान में कितना बड़ा बनाने वाले। और मुझसे रहा नहीं गया, मैं फाइनली आ चुका हूँ यहाँ पे, जहाँ पे एक्वेरियम जो मैंने आपको दूर से दिखाया था वो सब है, जो कांच का यहाँ पे बना हुआ है पूरा एक्वेरियम ही बनेगा ना भी, यहाँ पे मछली घर ही बनेगा ना पूरा, है ना? किस जगह लगने वाला है ये? यहाँ सामने बनेगा, इस जगह इधर तो नहीं लगेगा ना? चलो, तो ये कुछ इसके कितने और आने वाले हैं इसे बॉक्स? चार तो दिख गए, पांच उधर भी है, छह क्या फिश चैनल है ये? हाँ हाँ, फिश वाला टैंक है ना, हाँ, मछली घर वो है एक्वेरियम। अरे वो है एक्वेरियम उस साइड, फिर मछलियाँ किस में आती है? मछली दूसरा आता है, ये तो सिर्फ उसका ढांचा जिसके अंदर रहेगी, है ना? बॉक्स है तो पूरा। जैसे कि मैंने बताया था, वहाँ से दूर से मुझे देखने को पता चल गया था कि इस साइड जो है मछली घर बनने वाला है। यहाँ पे काम जो है जोरों शोरों पे चल रहा है। भैया बता रहे कि इस साइड जो है पूरा सेटअप लगने वाला है। यहाँ पे इसमें तीन और एक चार तो लग चुके हैं, एक ये पांचों यहाँ से अनलोड हो रहा है, और पीछे भी खड़े हैं वहाँ पे दो ट्रक, जिसके अंदर एक पूरा यहाँ से ट्रांसपेरेंट जो है वो मुझे एक बॉक्स दिख रहा है, वो देख पा रहे हो तो आप वो, और उसके पीछे एक और ऐसा ही सेम ये भैया यहाँ से अनलोड कर रहे हैं, ये है। तो ये तो देखिए उतारना भी चालू कर दिया भैया ने, चलिए देखते हैं एक बार किस तरीके से यहाँ से उठाया जाएगा इसे और कैसे रखा जाएगा। क्यों, ये कहाँ से आया ये एक्वेरियम का? दिल्ली से आया,
दिल्ली में मेला लग रहा था, वहाँ से उतर के यहाँ आए। अच्छा दिल्ली में खत्म हो गया? दिल्ली में खत्म हो गया। अच्छा वहाँ से यहाँ आया डायरेक्ट? डायरेक्ट। कितने बॉक्स आए इसे? पाँच चीज के छोटे हैं, जो छोटी गाड़ी में लोड हो रहा है। अच्छा पाँच तो बड़े हैं और पाँच छोटे हैं। फिर मछलियाँ वगैरह कहाँ से आती है इसमें? बॉम्बे से आती है। अच्छा बॉम्बे से आती है, पहले आ गई वहाँ से मछली। अच्छा आ चुकी है वो पहले ही मछलियाँ? अच्छा ओके ओके, फिर जुड़ना चालू हो जाएगा अभी थोड़े दिन में, 12 तारीख का लोड बता रहे हैं। ओके ओके ओके, तो ये पूछे यहाँ पे तो जो है लगाया जा रहा हमारा एक्टिव वाला सीन, और भैया उन बता रहे थे कि थोड़े दिन के अंदर जो है इसे चालू कर दिया जाएगा, जैसे ही मेला स्टार्ट होगा उसके बाद से सभी आम जनता के लिए जो है ये चालू हो जाएगा। और अब हम जा रहे हैं इस साइड जहाँ पे जो है अमरनाथ की गुफा जो है बनाई जा रही है, देखते कितना ज़्यादा काम हो चुका है, क्या कुछ प्रोसेस में है, चले चलते हैं। इस बार जो आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है, मेले के अंदर बहुत सारे झूले मिलने वाले हैं नए नए तरीके के, और कुछ नई एक्टिविटीज़ भी होने वाली है, और उनमें से ही एक जो है ये बाबा बर्फानी की गुफा जो है वो देखने में आ चुके हैं। अभी जो काम चल ही रहा है और ये पहुंच गए हम बाबा बर्फानी की गुफा में, शायद इसका एंट्रेंस गेट है जहां से आप एंट्री करोगे, और उसके बाद जो है बाबा बर्फानी की गुफा के आप दर्शन वगैरह कर सकते हो। अभी काम जो है प्रगति पे है, मतलब अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में 30 तारीख के आसपास, 30 तारीख के 1-2 तारीख तक ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। उसमें जब हम नेक्स्ट व्लॉग जब बनाएंगे तो एक बार इसे फिर से कवर कर लेंगे, कि अभी इतना कुछ खासा दिख नहीं रहा है, सिर्फ मचान बना करके छोड़ा है। 6 दिन और लगेंगे, तो कैसा कुछ बनेगा थोड़ा आइडिया बता सकते हो क्या? क्योंकि क्या ये जो तो लकड़ियाँ वगैरह दिख रही है ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका रैंप बनने वाला है? अच्छा अच्छा, चलते हुए यहाँ से दर्शन करके करेंगे लोग? अच्छा मेन गेट तो ये हो गया, इधर एक मंदिर आएगा, एक सामने मंदिर है, मेन ऊपर है। तीन तो मंदिर होंगे? नहीं, दो भी और बनेगा नीचे। पांच मंदिर है? पांच मंदिर, पांच तो मंदिर होंगे, फिर सबसे ऊपर जाकर के बाबा बर्फानी के दर्शन है ना? लिंग है, ये लिंग है नीचे पड़ी है ना। अच्छा यही है क्या? अरे वाह क्या बात है, लोगों को बहुत बाद में दर्शन होंगे, हमें पहले होने वाले। यही है वो, देख सकते हैं कैसे इसमें पूरा आइस जमेगा? अच्छा इसमें जमेगा, जमेगा पूरा। अच्छा भाई साहब दिखाने वाले हमें। अच्छा ये इसका सांचा है? अच्छा फिर ये गलेगा नहीं, इसमें ठंडा ही रहेगा? इसका एसी लगेगा। अच्छा बड़े एसी से कंटिन्यू ठंडा होता रहेगा? अच्छा ओके। अच्छा ये इसका एसी है, इससे पहले कहाँ लगता था ये वाला? अच्छा ये भाई साहब बता रहे हैं इसका एसी है। अरे ओके ओके, 3-4 AC लग रहे हैं इसमें तो कंटिन्यू? 4 AC है। तो कब आए जब ये पूरा दिख जाए हमें? 5-6 दिन तो लग जाएगा। 30 तारीख? 30 तारीख, 30-1 तारीख तक तो बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ना। मैंने भी एक आइडिया लगाया था कि 30-1 तारीख तक शायद ये कंप्लीट हो जाएगा, और हमें दिखना चालू हो जाएगा किस तरीके से है, क्योंकि अभी कारपेट लगाएंगे ऊपर। अच्छा ये उन्हीं की पेंटिंग थी क्या बाबा बर्फानी की? अच्छा अच्छा सब बनाएंगे इधर। अच्छा तो ये कुछ यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह रखी हुई है, ये बाबा बर्फानी की अगर आप देख पा रहे हो तो बर्फ की जो है पेंटिंग बना रखी है, सब लगेगी ताकि उससे थोड़ा सा 3D एक टेक्सचर दिख जाए कि कैसा कुछ दिखने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें सामने दर्शन हो गए अभी से। और इसमें क्या है इस वाले इस जगह? जगह सब माल पड़ा है, उसका वैसे कारपेट है, पहाड़ बनता है ना वाइट, पहाड़ बनने वाला व्हाइट कलर का कारपेट है। अच्छा अच्छा अच्छा, पहाड़ बनेगा, पूरा पहाड़ बनेगा, बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा होता है। चलो इस बार कोटा की जनता को कोटा में ही जो है बाबा बर्फानी के दर्शन कराने वाले हैं। अभी क्या है, गाड़ी आने वाली है, बावला होता है ना, हम खड़े रहते हैं। हाँ, एक और आएगा। हाँ, आएगा। तो क्या कुछ एंट्री फीस रहने वाली है इसकी? उसकी तो इधर का ठेकेदार को मालूम क्या रहता है। अच्छा ठेकेदार के ऊपर है सारा। ओके तो काफी कुछ होने वाला है इस बार मेले में, काफी कुछ नया है। ये तो नहीं आया, ये भी नहीं आया। फिश एक्वेरियम जो है एक बार आया था, हाँ उस साइड आया था, इस साइड मेले में पहली बार आ रहा है ये भी। इस बार काफी सारी नई नई दुकानें, उस साइड ही बहुत सारी नई नई दुकानें बनी है अभी। तो चलिए धन्यवाद, क्या नाम है सर आपका? अर्जुन भाई। अर्जुन भाई धन्यवाद साहब आपका। तो चलिए ये कुछ है, अब चलते हैं हम उस साइड वापस से जहाँ पर झूला मार्केट चल रहा था, वहीं चल के बात करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे पेंटिंग वगैरह चल रही है भाई साहब, यहाँ पे जो झूलों की है वो पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं। भाई साहब कौन सा झूला लगने वाला है ये, क्या नाम है झूले का? ब्रेक डांस है, उसकी पेंटिंग चल रही है। चलो बढ़िया, किस साइड लगेगा ये? लगेगा इसी के आसपास। अच्छा इस साइड लगने वाला है, तो यहाँ पे ब्रेक डांस लगने वाला है। ये शायद ड्रैगन बोट जो होती है वो, ये ना बोट का है ना ये बोट का है, तो अभी उसकी शायद टेस्टिंग वगैरह चल रही है।
मैं थोड़ा पास चल के देख के आता हूँ। हाँ यहाँ पे देखिए टेस्टिंग वगैरह चल रही है पूरे जोरों शोरों पे। ये देखो पूरा टेस्टिंग वगैरह चल रही है इधर। और इस साइड जो है ड्रैगन के वो अस्थि पंचर है जो जुड़ने वाले हैं थोड़े टाइम में, एक एक पार्ट में आते हैं फिर जुड़ना चालू होते हैं, फिर उसके बाद ये कंप्लीट बोट बन जाती है और उसके ऊपर झूलना चालू हो जाती है, वो वाली बोट है। साथ में इसमें ब्रेक डांस भैया ने बताई दिया, उस साइड भी कुछ बोटें लगने वाली, एक बोट दो बोट और तीन बोट, तीन बोट तो ड्रैगन की मुझे साफ साफ दिख रही है और बाकी जो बची हुई स्पेस है उस साइड अगर आप देख पाएंगे उस ड्रैगन के जस्ट पीछे वहाँ पे जो बड़ा वाला जो डॉलर आता है वो लगेगा। पिछले साल मुझे अच्छे से याद है कि चार ड्रैगन बोट और तीन से चार सॉरी पाँच पाँच बड़े बड़े डॉलर लगाए हुए थे, बाकी साल देखते क्या कुछ सीन है। और इधर ये तो ब्रेक डांस था ना, ब्रेक डांस था। और भैया उन बता रहे हैं इस साइड क्या बनने वाला है, नाव को ड्रैगन वाली या वो गोल गोल घूमने वाली नाव, कितनी नाव आएगी इस बार सात सात नाव, सात नाव हुए, सात नाव हुए। पिछली बार तो पांच ही थी यार, है ना। हाँ और डॉलर वगैरह कितना है, वो बड़े वाले जो आते हैं ना क्या बोलते हैं, अभी दो है, बाकी और भी आएंगे शायद। चलो बढ़िया, अच्छा इस बार अच्छा बनने वाला है, मतलब मिला ना। क्या नाम है भैया अपना, शिवम। शिवम जी चलो बढ़िया, कहाँ से आते हो यार आप लोग, ग्वालियर से हो गया, ग्वालियर से है अपना फिर थोड़ा। इसके बाद कहाँ चल जाते हैं, ये मेला खत्म होने के बाद कहाँ जाता है मेला, झालावाड़ पाटन, पाटन में लगता है, केसरा पाटन में लगता है, झालावाड़ पाटन में लगता है, ये सारे वहीं जाते हैं कि कुछ पॉइंट जाता है, उज्जैन जाता है, कोई पाटन जाता है, पाटन जाता है। इसके बाद सबसे बड़ा मेला किधर भरता है अपना, उज्जैन वाला कार्तिक मेला, हाँ वो बहुत बड़ा मेला है, वहाँ भी जाते होंगे आप लोग। अपना तो पूरे साल भर यही चलता रहता है रोटेशन में, वो साल भर तक हर साल आते हो यहाँ पे। चलो बढ़िया यार, अच्छा है, धन्यवाद भैया, थैंक यू। तो ये कुछ था, और जैसे कि मैंने बताया था कि इस बार काफ़ी कुछ आया है नया, और हम जैसे जैसे इसमें अपडेट होता जाएगा वैसे वैसे हम आपको भी अपडेट करते रहेंगे। अभी जस्ट यहाँ पे झूला मार्केट का जो है काम होना चालू हुआ है, इस बार जो आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं रिलेटेड टू झूला मार्केट, यहाँ का फूड मार्केट, यहाँ का रावण से रिलेटेड, यहाँ का जैसे मैंने बाबा बर्फानी की बताई थी, सारा कुछ आने वाला है। क्योंकि इस बार जो नगर निगम ने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए, जहाँ पर काफ़ी कुछ आया जैसे कि मैंने बताया सर, यहाँ पे एक्वेरियम वगैरह आया, ये सब कुछ हुआ है। तो जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा वैसे वैसे हमारे नए नए ब्लॉग्स आते रहेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।